डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को पैरों में समस्या रहती है। ये समस्या लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण विकसित होती है, जिसे डायबिटिक फुट अल्सर कहते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर डायबिटीज वाले व्यक्ति के पैर में एक घाव है जो आमतौर पर तलवों की सतह पर देखा जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो पैरों के अल्सर के पहले लक्षणों में से एक है पैरों से पानी बहना, एक या दोनों पैरों में असामान्य सूजन, जलन, लालिमा, दुर्गंध भेज के शुरुआती लक्षण है। एक गंभीर पैर के अल्सर का गंभीर लक्षण है। अल्सर के आसपास काला टिश्यू, अल्सर के पास के हिस्सों में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन ना होने पर ये स्थिति बनती है। खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से फुट अल्सर हो जाता है और इसकी वजह से डैमेज हुई नसों में दर्द और तनाव भी महसूस हो सकता है। अगर इसके इलाज की बात करें तो पैर का अल्सर एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए इलाज किया जाना चाहिए। बता दें कि डॉक्टर इसके लिए एक्सरे करते हैं ताकि वो पहचान सके कि स्थिति कितनी गंभीर है, और अल्सर अगर ठीक होने लायक होगा तो डॉक्टर अल्सर के लिए इलाज के लिए एंटीबायोटिक, एंटी क्लॉटिंग दवाएं लिखते हैं, और समस्या अगर बहुत गंभीर हो जाती है तो डॉक्टर मरीज को सर्जरी की सलाह देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।